अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं फिर ये मकाम पर आया हूँ शिकार करने के लिए, देख सकते हैं, और देखेंगे आज का कैसा शिकार रहेगा। दोस्तों रेगुलर हम लोग यहाँ पर दो क्विंटल हम लोग यहाँ पर चरवाई करें, चरवाई करने के बाद मच्छी तो बहुत सारी जमा हुई यहाँ पर, लेकिन मच्छी थोड़ा सा फेल हो गया यहाँ पर। क्यों फेल हो गया बोले तो यहाँ पर मगर का एरिया है, ये पूरे मगर का एरिया है, और मगर एरिया रहने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो है मगर बच्चे अंडे दे दिया, अंडे देने के बच्चे थे यहाँ पर, इसलिए मच्छी क्या यहाँ पर नहीं आ रही है, दूर दूर भड़क रही है, पूरे जगह भड़क रही है, लेकिन मच्छी मुँह गोली नहीं डाल रही। तो आज हम लोग पाँच से छः दिन सात दिन दस दिन हो गया रेगुलर यहाँ पर, और हम लोग नियम उसको मच्छी मारने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करें हम लोग। ये आज दोस्तों मैं इसी चांस में शिकार करने वाला हूं, और ये सिंग बहुत मेरा पसंदीदा सिंग है ये, इससे मैं बड़े बड़े मच्छी मारता हूं, नहीं टूटता है, देख सकते हैं कितना लचा नहीं टूटेगा। ठीक है, अब मैं कैसा डायमंड बनाना है वो आप लोग को सिखाने वाला हूं, नया डायमंड का टेक्निक, कैसा कौन सा नया जो आसान तरीका। ठीक है, लेन पर जुड़े रहो, कैसा डायमंड तैयार होगा देख सकते हो। दोस्तों ये मेरा सेटअप है ना, ये मेरा क्या है सेटअप है, मैं इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा कितने सात बाम है, ये है ना, ये सात बाम है, और सात बाम बोले तो इतने का बोले तो एक बाम होते है ना, मैं इसे खोल लेता हूँ। जो लोग सिंह का शिकार सीखना चाह रहे हैं तो वो ज़रा ध्यान हटाए नहीं, मुकम्मल वीडियो देखें, आसान तरीका है डायमंड बनाने का, जो डायमंड कभी भी फेल नहीं होती, जब तो भी कुछ भी करो सीधी डायमंड नहीं होती, अवशिष रहती, बहुत बेहतरीन टेक्निक है, निगाह नहीं हटाना। और जो भी शिकारी भी है उनको भी कह रहा हूँ, आप लोग भी डायमंड बनाते हैं ना, और मैं भी हूँ, बुरा नहीं मानना, जो भी शिकारी है उनको भी कह रहा हूँ बुरा नहीं मानना, जो भी शिकारी है उनको भी कह रहा हूँ कि डायमंड ऐसे बनाना। तो क्या है, क्यों बनाना बोले तो डायमंड सीधी नहीं होना, अच्छा डायमंड आना है ना। देखिए ये मेरा अलग टेक्निकल है, जैसा ये तंगूस है ले लिया मोनोलेन, इसको क्या करना है, इसको ये देखिए, एक ये एक ले लो ऐसा, फिर दूसरा ये दो, ये दो इसमें अंदर डाल दिया, देखो इसको इसका इसका सब बांध दो, गिट्टा कर दो, थोड़ा सा ऐसा उंगली लगा सा देख सकते हैं, ऐसा करके थोड़ा घिस दो तो टाइट बढ़ जाता, फिर इसको इस जगह कट कर देना है, देखिए ये जगह है यहाँ पे से थोड़ा कट कर दिया मैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है देख सकते हैं, ये अपने को अंदाज लेना है कितना डायमंड कितना बड़ा रखना है या छोटा रखना है, वही हिसाब से हमको इतना सा रखना है, देखिए है ना, है क्या हुआ देख सकते हैं, हमको इतना सा लेना है बनाना है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जरा वीडियोग्राफर हमारे वीडियो में इधर फोकस करो, जरा देख सकते हैं इस जगह से पकड़ लेना है इतना सा, देखिए अब पकड़ने के बाद ये इसको गिरा क्या करना है, देखिए ये है ना, ये गोल बना लिया इसको, अब इसमें से एक ले लो ऐसा, देखिए एक ये दो ले लो ऐसा, देखिए इसको ऐसा गिट्ठा यहाँ बांध दीजिए, ये गिट्ठा में बांध दिया, गिट्ठा बांध दिया ना, एक यहाँ पर गिट्ठा है, एक यहाँ पर गिट्ठा बांध दिया। अब ये डायमंड है ना, ये देखिए ये टोकमा है जो बोलते हैं टोकमा, इसको टोकमे के अंदर इस तरह ऐसा ले लीजिए, ये ऐसा ले लीजिए। अब इसको क्या कीजिए, ऐसा बांधिए इनको, सफ़र पस्सो बुलाया था इनको, क्या बुलाया था सफ़र पस्सो, इसको ये देखिए ये जो है इसको इस तरह से लेना है ना, इसको फिर इस तरह से इसके अंदर लेना है सफ़र पस्सो, इसका देखिए ऐसा बनाना है, देखिए कैसा बनाना है, इसको इस तरह से यहाँ पर नज़दीक लेना है, एकदम आसान तरीका है ये, सी एक बार देख लिए तो आपको बार बार आ जाता है, ये देखिए इसको इस तरह बांध लेना है। अब मैं इसे ज़रा दांत से बैठा देना है, अब देखिए ये क्या करना, इतना है ना, ये अब ऐसा खींचना है, देखिए ये देखिए आ गया ना, ये देख सकते हैं ये हो गया, ये आसान तरीका है जिसको नहीं आता। अब इसको क्या कीजिए, इसको यहाँ पर इस तरह ले लीजिए, देखिए इसको इस तरह से ले लीजिए आप, है ना, इनको इस तरह ले लीजिए। अब यहाँ पर हमको क्या है, इसको थोड़ा सा चाँपना है ऐसा,
दाब देना, इससे दाबे तो आपको अच्छा डायमंड बन जाता। अब देखिए ये इस तरह ये हो गया, ये देखिए हो गया दोस्तों। अरे कैसा डायमंड बना दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, आप ही बताइए कमेंट में कैसा डायमंड बना। देखिए मच्छी जब खाएगी जितना ही मारिए सीधा नहीं होती है, देखिए ऐसा इतना भी कुछ करिए, देखो इसके अंदर से ले लिया, जब ऐसा खाएगा मच्छी ऐसा खाएगा पूरा ऐसा जितना भी कुछ भी करो खींचो डायमंड जैसा का वैसे ही रहता, बार बार उसको सीधा करना नहीं पड़ता है ना। तो दोस्तों रोज़े की हालत में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और रोज़े की हालत में आप लोगों को मैं पसीना टपका कर बता रहा हूँ ये सब टेक्निकल, बहुत कम ही लोग यूट्यूबर सिखाते हैं दोस्तों। मैं अपनी बड़ा पनी नहीं करता हूँ, कभी करूँगा भी नहीं, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ये सब चीज़ नए नए शिकारी को बताएंगे तो वो भी एक बेचारा शिकार करेंगे, और कुछ वो लोग भी एक शौकीन जो रखते हैं वो शौक भी करेंगे है ना। चलते हैं अब इसको क्या करना है, अब ये डोरा है, ये मैं डोरा कभी भी मैं बड़ा रखता हूँ कि बाय चांस से ये कम से कम 100 से 200 मीटर है ये मेरा, इसमें देखिए ये रखता हूँ मैं कभी भी। तो ये रखने से क्या होता है, बड़ी मच्छी अटक हो गई तो अगर रफ्तार मारा तो ये मोटा है तो इससे हाथ जलता भी नहीं है ना, हाथ जलता नहीं, और मच्छी जाते रहेगा तो आसान से हम मच्छी को फिर निकाल सकते हैं। अगर बारीक रेशम धागा रखेंगे पीछे सिंक के पीछे रखेंगे तो आपका कभी भी हाथ कट सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटा रखने की कोशिश करो और 100 से 150 मीटर रखने की कोशिश करो, क्योंकि बोल नहीं सकते बड़ी मच्छी अटक करे तो बहुत दूर भाग सकती है। चलो ठीक है अब ये चलते हैं, अब इसको किस तरह करना है यह मैं बांध लिया हूँ, देखिए ऐसा ऐसा पीछे क्या है ऐसा बांध लेना। अब बांधने के बाद ये सिंक है ना पीछे का डोरा, इसमें से ये ले लेना ऐसा ऐसा ले लीजिए। अब लेने के बाद इसको क्या है इस तरह इसको अंदर से ऐसा पार कर लीजिए, इसे इसको जो क्या है इसका इस तरह ऐसा ले लिया मैं। अब लेने के बाद इसको क्या करो इसके अंदर से देखिए ये आ गया, ये बैठ गया ना, ये आसान होता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं अब सिंक बैठाने वाला हूँ, और दोस्तों लाइन पर जुड़े रहें। ये थोड़ा आटा है मेरा, ये थोड़ा बासी आटा है, थोड़ा ताज़ा मिला दिया हूँ। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, थोड़ा ये मेरा ये हलवा है 1800 रुपया केजी वाला हलवा है, ये मेरा बहुत मेरा सेपरेट पसंदीदा हलवा है, और मैं पसंद हलवा मार्केट में उतार दिया हूँ, इसका रेट 1800 रुपया केजी है ये। और मैं इसे थोड़ा डालूँगा इसके अंदर, हाथ डालेंगे तो ख़राब हो सकता है, बस ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा बैट के अंदर डालना है ये। अब ये हलवा क्या करना है देख सकते हैं, हलवा देखिए ये हलवा नंबर वन हलवा है, ये बहुत महंगा रहता है, और ये मैं खुद तैयार अपने हाथ से तैयार करता हूँ, ये मैं ये हलवा अपने हाथ से तैयार करता हूँ, मैं अपने घर में खुद तैयार करता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ, और मैं खुद अपना बना के अब मैं खुद खेलता हूँ और पब्लिक को भी देता हूँ है ना, इस तरह मिला ऐसा। दोस्तों ये हलवा के अंदर क्या खासियत है, ये हलवा ऐसा हलवा है इसके अंदर हर एक मच्छी मार खाती, हर एक मच्छी बोले तो कतला रोहू मिर्गल गैसकेट हैं हाँ कटोरने बम मरल हर एक मच्छी मार खाएगा ये बैट से, ये बैट से बोले तो जैसा कि ये जो मैं बताया हलवे के बारे में बताया, जो मैं ये हलवा के बारे में बताया ये सब मार खाएगी, सिर्फ रोहू कतला मिर्गल नहीं है, अर टू जेड रोहू मिर्गल गैसकेट कतला और कटरना, कटरना बोले तो अरिया जो टेंगरा बोलते हैं बड़ी वो, और मरल भी जो उसके पास महक से आएगी, इसकी महक से आती रहती वही मर खाएगी, पठानी मर खाएगी, जो भी उसके दौर बम भी आएगा वहाँ बम भी मर खाएगी। इस चीज़ों की वजह से क्या है महक से बहुत तेज आती मच्छी, देखेंगे आप लोग लाइन अप जुड़े रहे। मैं आप कैसा हो गया मैम, काला हो गया और नंबर वन बूस हो गया, देखो बहुत खतरनाक हो गया ये, अब देखेंगे ये अब इस तरह से ऐसा लपेट लेना, ये देख सकते हैं ये इस तरह ऐसा लपेट लेना, कभी भी शिष्ट नहीं गिर लभजने नहीं के लिए, देख सकते हैं ये जो है हुक ऐसा रहता, देखिए ये मेरा अपना हाथ का बनेसो है, ये मेरे पास मिलेगा मेरा हाथ का बनेसो, ये देखिए ये मास्टर्ड हुक है, 6 नंबर मास्टर्ड हुक है ये, कितने नंबर 6 नंबर मास्टर्ड हुक है ये, इसको इस तरह देख लेना मिला के बराबर है या नहीं है लेवल, ऐसा देख लेना ऐसा इनको इस तरह से ऐसा देख लीजिएगा है ना। तो मेन मकसद दो है दोस्तों, मैं शिकार करने की नियत से नहीं बता रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेन मकसद है आप लोगों को बताना, मेरा मकसद है आप लोग का सिंह का शिकार जो शौकीन रखना चाह रहे हैं बताना। तो ये हो गया, अब आटा जो कहाँ लगाना है, देख सकते हैं ये शीश है, ये शीश लगाना ज़रूरी है, सिंक खेलना है तो ये शीश लगाना भी बहुत ज़रूरी, स्पिनिंग शीश ये इस तरह गोली लगा लेना, ये देखिए ऐसा ये
इसको इस तरह से गोली लगा लेना इसको, अब देखेंगे फास्ट कौन सी मच्छी लगने वाला है। चलो डालता हूँ दोस्तों, बस दुआ में याद रखना, देखेंगे कौन सी मच्छी लगता है, इंशाल्लाह मारेंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा फेंक देना दोस्तों, जब हम फेंके ना इसी तरह फेंक देना। फेंकने के बाद देखिए आप लोग गौर कीजिए, जब तक वो नीचे दोगन में गोली नहीं बैठेगा, बैठे रहेगा, जब गोली नीचे बैठेगा, बैठने के बाद वो खुद तंगूस, जो सामने का तंगूस मोनोलाइन है, वो जो है जाकर नीचे बैठते ही अपने हाथ का ढील हो जाएगा। देखिए ये मेरा हाथ का ढील हो गया, बताओ जरा कैमरामैन, ऐसा देखो ढील हो गया, ये अपने आप क्या हुआ, अपने आप ये ढील हो गया। अब ढील होने के बाद क्या करना है, लूज हो गया, तो जो है लूज हो गया ना, अब लूज हो गया। अब लूज होने के बाद हल्लू हल्लू क्या कीजिए, आपका जो मेरा लकड़ी है ये, इसको इस तरह से बैलेंस मिला लेना है, रख देना उसको आप बैठने, अब उसको रखने के बाद अपन बैलेंस बना लेना बैठने का। उसके बाद अपन क्या करना है, धीरे 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 क्या, इसको सिंह को ऐसा पीछे लेना है, जो डायमेंड जो है वो डायमेंड सही बैठने के लिए है ना, देखिए डायमेंड को सही बैठने के लिए। अब यह बैठ गया, अब क्या है ये डायमेंड, अब बैठ गया है, जो डायमेंड बैठेगा तो वो खुद ब खुद अपना आप जो है ना डायमेंड चौड़ा होने का ऐसा टाइट हो जाएगा बैठने के बाद। तो अपन क्या करना है, एकदम टाइट भी नहीं, ऐसा पूरा टाइट नहीं रखना है, मीडियम हिसाब से रखना है। मच्छी खाए तो ऐसा टकमा हिलना, ऐसा हिलना, मच्छी खाए तो हिले तो क्या होगा, तो मारे तो ऐसा सीधा मारे तो मच्छी को लग सकता है, ढील रखे तो आपको मालूम नहीं चलता। अगर हम डायमंड को ढील रख देंगे, छोड़ देंगे ऐसे डाल के छोड़ देंगे, ढील रख देंगे तो आपको मालूम नहीं होता मच्छी खा रही या नहीं खा रही, नहीं मालूम होता। टाइट थोड़ा रखे तो, मीडियम हिसाब से टाइट रखे तो डायमंड का जो चूड़ी है वो सही बैठे तो आपको क्या है मालूम होता मच्छी खा रही हिल रही है। तो ये नहीं मालूम चलना कि नीचे जो है मच्छी कौन सी खा रही है, ये रोहू खा रही कतला वो सब नहीं देखना, कौन सी क्या खा रही, डायमंड ऐसा हिली बस हाथ उठा देना है। अब पानी के अंदर कौन सी मच्छी है क्या अपने को क्या मालूम है ना, कुछ भी रह सकता है, मरल भी रह सकता है, पठान भी रह सकता है, रोहू भी रह सकता है, मृगल भी रह सकता है, कतला भी रह सकता है, मगर भी रह सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मच्छी खा रही वो मच्छी खा रही ये खा रही, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं रहता। डायमंड हिला हाथ उठा दो बस, ऊपर आते तक ही मालूम, ऊपर आया तो समझना रोहू है मृगल है गैस कर मालूम हो जाता। गजब मिलावट की हुजूर, गजब मिलावट की हुजूर, वो दोस्तों ये हलवा डाले तब लगी मामू, ये मामू हलवा डाले तब अटक करी, ये हलवे का कमाल है, ये देख सकते दोस्तों, ये हलवा खाने आई थी और ज़बरदस्त पड़ी है मार, देखिए ये कैसा धूमे लगी है, वाह छमर पड़ी है देख सकते हैं। निकल भी नहीं रहा है, सकते दोस्तों ये है अरिया, इसे हम लोग अरिया बोलते हैं हम लोग, हाँ ये हमारे बिहार यूपी में इसको अरिया बोलता है, या और कहीं जगह अरियाठी भी बोलाता है, और यहाँ बोला जाता है इनको हैदराबाद तेलंगाना के अंदर टेंगरा कटरना ही बोला जाता है इसे, और बहुत बेहतरीन मच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजेदार होती है मछली।
ये बच्चे खाने के लिए आसान होता है, ये बच्चों के लिए बहुत आसान है और टेस्ट भी अच्छी रहती है, इनकी खूबसूरती भी अच्छा रहता है। ये हाँ कहने लग लो क्या मार लगा इसको। कहाँ लगी मार? हेलो कहाँ लगी है? पंजरा थी। हाँ, इसलिए निकलना बहुत मुश्किल था, ये बहुत घट रहा था। दोस्तों दोस्तों कहाँ लगी है मार? देख सकते हैं साला ये भूत मार रहा है। ये काले शाह का नाम लिए तो देखो मच्छी आ गई। हाँ। उनकी दुआ है भाई हम लोगों के साथ। काले शाह का नाम लिए तो मच्छी लग गई आज। बहुत धूप है दोस्तों, बहुत खतरनाक धूप है। तो है ये दूसरी पिस लगी है, ये मिर्गल। ऐसा तो दोस्तों मिर्गल लगी है। आज का शिकार हुआ है दोस्तों, बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे तो ये भी आज दो लगी, मुझे देख सकते हैं आज का दो मुझे शिकार हुआ है। तो इससे पहले बताया कि सिर्फ दो मच्छी लगी, एक कटरना लगी। मैं पहले बताया था कि ये हलवे में हलवे डाले तो कभी भी कुछ भी लग सकता है, ये बोल नहीं सकते हैं कि रोही मिर्गल ही लगेगा, कटरना भी लग सकता है। कुछ तो एक कटरना भी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह और एक मिर्गल लग गया। चलो अल्लाह का शुक्र है, मुझे रमज़ान में तो वो भी दो लगी है। कितने लोगों कितने जगह शिकार करे तो उसको वो भी शिकार नहीं हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का निकल गया। देख सकते हैं दोस्तों